हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं AKS ऑटोमेशन का OLC प्राइम हैवी ड्यूटी नोट काउंटिंग मशीन विथ फेक नोट डिटेक्शन UV MG IR MT सेंसर। इससे पहले हम बॉक्सिंग कर रहे हैं। मशीन इसी तरीके से आपको मिलेगी बॉक्स में जब भी आप ऑर्डर करेंगे। बाकी आप बॉक्स से डिटेल पढ़ सकते हैं। यहाँ आपको लिखा बताया गया है होपर कैपेसिटी 300 नोट, स्टेकर कैपेसिटी 200 नोट, काउंटिंग स्पीड 1000 पीसीस पर मिनट, मतलब 1000 नोट एक मिनट में काउंट कर देती है। डायमेंशन है, वेट देख सकते हैं आप, नेट वेट 5.3 kg है, बॉक्स के साथ 6.3 kg। ठीक, और पावर कंज्यूम्पशन देख सकते हैं आप। पावर कंज्यूम्पशन 80 वॉट। ठीक, हैवी ड्यूटी नोट काउंटिंग मशीन है। और बाकी आपका यहाँ फीचर्स दिए गए हैं। ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप एंड क्लियर ऑप्शन है विद UV MG MT IR और DD, ये डिटेक्शन के फीचर्स हैं। और आपके हाफ नोट, चेन नोट, डबल नोट ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। बैच बनाने का ऑप्शन मिलेगा, ऐड का होता है, सेल्फ एग्जामिनेशन फंक्शन है, LCD कलर चेंज टू रेड व्हेन डिटेक्ट फेक नोट। जब भी फेक नोट आएगा तो LCD स्क्रीन है उसका कलर रेड हो जाएगा इंडिकेशन के लिए। साथ में आपको वॉइस फीचर वगैरह सब मिल जाता है। ठीक है, ज़्यादातर करेंसी आपकी वर्ल्ड वाइड सूट करती है, यानी डॉलर, यूरो वगैरह जो मेन मेन करेंसी हैं दुनिया भर की, वो सब आप इजीली इसमें काउंटर डिटेक्ट कर सकते हैं। बॉक्स के किट में आपको देखिए इस तरीके से ये किट मिलेगी। किट में आपका मैनुअल बुक होगा, ब्रूस होगा, स्पेयर पार्ट्स होंगे, फ्यूज होगा, कवर होगा, पावर कोड मिलेगी और एक एक्सटर्नल डिस्प्ले जो काउंटर पर लगाने के लिए कस्टमर डिस्प्ले भी आपको मिल जाएगा। बॉक्स में मशीन इस तरीके से होगी, आपको हैंडल के साथ इजीली ऊपर निकाल लेनी है इस तरीके से। ये हमारी मशीन है, बॉक्स को कर देते हैं। बॉक्स में देखिए बैक साइड में आपको पावर कोड लगाने का फीचर ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना एक्सटर्नल डिस्प्ले लगा सकते हैं, अभी हम डेमो दे रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से मेन स्विच ऑन होगा, तो ये जस्ट सिंपली पुट कर देना है। कंप्यूटर वाली केबल रहेगी आपकी बॉक्स के अंदर जाती है, मेरे पास स्पेयर पड़ी है तो मैंने लगा दी है। ठीक, ये आपकी मशीन हो गई रेडी। मशीन ऑन करते ही आपका विद इन 2-3 सेकेंड के अंदर वर्क करने के लिए रेडी हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं क्लियर नज़र आ रहा है। थोड़ा जूम करेंगे, LCD स्क्रीन है तो थोड़ा जूम करके देख लेते हैं फीचर क्या है। UV MG IR MT डिटेक्शन के साथ मिलेगी। करेंसी मोड है, यहाँ पे INR है, ऑटो मोड है मतलब नोट डालते ही आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले हम काउंट करके देखते हैं, बाद फंक्शन समझ लेते हैं। देखिए आपको फंक्शन मिल जाएगा इसमें, US डॉलर काउंट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, यूरो मिल जाता है, अदर करेंसी भी आप काउंटेंट डिटेक्ट कर सकते हैं। इंडियन करेंसी के साथ 4 सेंसर आते हैं क्योंकि नए नोट के अकॉर्डिंग। ठीक, और आपका देखिए इसमें बैच का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि डी बनानी हो 100 का डिफ़ॉल्ट बैच है, बाकी आप 50 का बना सकते हैं, 20 का आ जाता है, 10 का आ जाता है, बाकी कोई भी अपनी मर्जी से भी आप बना सकते हैं मैनुअली बटन प्रेस करके। ठीक, ऐड का फीचर मिल जाता है लगातार काउंटिंग करने के लिए। मैनुअल का ऑप्शन मिल जाता है, अगर नए यूजर है नोट रखने में परेशानी है तो मैनुअल का यूज करके आप यूज कर सकते हैं। सेमी वैल्यू का फीचर मिल जाता है, स्टार्ट प्लस वॉइस है, मतलब आप इसमें वॉइस फीचर भी ऑन कर सकते हैं। ठीक, तो कोई भी आप डिटेल होगी आपको वॉइस के जरिए भी बताएगी मशीन। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें यूज करके देखते हैं कि मेरे पास 100 के 90 नोट होंगे, आई थिंक 9000 रुपये, उनको काउंट करके देखते हैं। अभी बैच सेट था तो बैच आ रहा है, 25-25 के बैच बन जाएंगे, बाकी लास्ट में जितने भी बचेंगे वो बता देगा। पहले मैं बैच को क्लोज करता हूँ, आपको शुरू से बताता हूँ। ठीक, ये आ गया हमारा नॉर्मल। अब हम इसमें काउंटिंग करेंगे, एक साथ सारे नोट काउंट हो जाएंगे, नोट रखते ही आपकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक, 90 PC से बोल के बता दिया। अब देखते हैं फेक नोट डिटेक्शन कैसे होता है। ठीक, इसके लिए मैं इसमें 20 का नोट है, इसमें मेरे ख्याल से एक ख़राब नोट भी होगा, अगर होगा तो आपको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक, इस तरीके से आपका नकली नोट या ख़राब नोट जो भी होगा, जिस नोट में आपको सिक्योरिटी फीचर नहीं होंगे, वो मशीन आपका इस तरीके से रोकेगी, स्क्रीन का कलर पूरा रेड बदल जाएगा। ठीक, एरर कोड आ जाएगा, अलार्म आ रही है,
और मशीन रुक रुक के बीप भी दे रही है, साथ में बोल के पहले ही बता दिया है स्पीकिंग फ्यूचर अगर ऑन होगा तो। ये आपका स्टेकर में जो लास्ट नोट होगा वो आपका नकली होगा, उसको बाहर निकाल लेंगे। काउंटिंग को कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट प्रेस करेंगे, ठीक। ये मशीन नकली नोट को भी गिनती में लेती है क्योंकि बिल काउंटर है, सिर्फ मिक्स वैल्यू वालू काउंट मिक्स नोट गिनने वाली मशीन है आपकी, नकली नोट को गिनती में नहीं लेती, ठीक है, क्योंकि नकली नोट की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन ये पीसीस में काउंट करती है तो आपको पीसीस मिलेगी। तो जब भी नकली नोट आए आप निकाल लें तो रीचेक जरूर कर लें, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि रियल नोट कितने हैं, ठीक। इस तरीके से आपको पता चल गया कि 100 पीस हैं हमारे टोटल। तो ये हो गया, आपने काउंटिंग देख लिया, नकली नोट डिटेक्शन देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब आते हैं बैच। बैच बनाने के लिए आपने जैसे 100 सेट कर दिया, यहाँ आप 200 से 300 नोट ऊपर कैपेसिटी बताइए रख सकते हैं, स्टैकर में आपके 200 नोट आएंगे। तो आप ये अगर 200 नोट लगाते हैं तो 100 का बैच बना सकते हैं, क्योंकि 100 की गड्डी बनती है तो डिफॉल्ट 100 का रहा है। लेकिन मान लीजिए आपको 25 नोट किसी को निकाल के देने हैं, ठीक है, या 50 नोट निकाल के देने हैं, आप मैनुअली बैच का भी यूज करके आगे पीछे कर सकते हैं और मैनुअली सीधे अमाउंट भी प्रेस करके आप बैच बना सकते हैं। मैंने 50 प्रेस कर दिया तो 100 नोट इंसर्ट करूँगा तो 50 का बैच बनेगा, ठीक। इस तरीके से आपका 50 का बैच बन जाएगा, जब ये 50 हटाऊंगा तो अगले 50 आपके काउंट हो जाएंगे, ये हटाते ही अगले 50 काउंट होंगे, या जितने भी नोट बचेंगे नेक्स्ट बैच में वो आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैच बना सकते हैं। अब बैच को करते हैं क्लोज और आते हैं ऐड। ऐड एक्टिवेट हो गया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ऐड आ गया, ठीक है। ऐड में क्या है, आप जितनी बार भी नोट इंसर्ट करेंगे आपका सम करता जाएगा। जैसे मैं फर्स्ट टाइम डाल रहा हूँ तो ये 100 काउंट करेगा, इसके अलावा मैं और नोट डालता हूँ या इन्हीं नोटों को दोबारा से डालता हूँ तो 100 के बाद से आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी। वंस अगेन एक बार और करके देख लेते हैं, आप 300 हो जाएंगे। इस तरीके से आप ऐड का यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मैनुअल कैसे यूज करना है। अभी तक आप देख रहे थे हम नोट जैसे इंसर्ट कर रहे थे, ऐड को कर देता हूँ क्लोज, नोट इंसर्ट करते ही ऑटोमेटिक काउंटिंग स्टार्ट हो जा रही थी। लेकिन नए यूजर हैं तो उनको नोट रखने में परेशानी होती है, तो आप मैनुअल का यूज कर सकते हैं। मैनुअल एक्टिवेट हो गया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, या मैनुअल आ गया, ऑटो हट गया। तो इस ये ऑप्शन ऑन होने के बाद आराम से नोट रख लीजिए आप, और जब आप स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे देन आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी, ठीक। तो ये नए यूजर्स के लिए फीचर्स दिया गया है इसमें कि सहूलियत हो जाए आसानी से नोट रखने की, ठीक है। लेकिन जब हाथ सेट हो जाए तो आप ऑटोमेटिक का यूज कर सकते हैं, उसमें क्या है कि आपकी काउंटिंग फास्ट होती है, ठीक। तो ये आपका ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड हो गया। अब आते हैं सेमी वैल्यू का फीचर देख लेते हैं। सेमी वैल्यू का फीचर क्या होता है, पहले हम क्लियर कर लेते हैं। सेमी वैल्यू के फीचर में क्या होता है, आपका जैसे वैल्यू प्रेस करेंगे या 2K की वैल्यू आ गई, यानी 2000 के नोट की, 1000 की वैल्यू, 500 की वैल्यू, 200 की वैल्यू, तो जितने भी आपके नोट होंगे जिस भी टाइप का नोट होगा, जैसे 20 का नोट है तो मैं 20 का वैल्यू सेट कर दूंगा। इस तरीके से ये आपकी वैल्यू निकाल देगी जितने भी नोट होंगे उनके अकॉर्डिंग। अभी मैं 100 की वैल्यू सेट करता हूँ, ठीक। 100 के नोट इंसर्ट करेंगे तो 100 के हिसाब से 100 की वैल्यू कैलकुलेट कर देगा। आई होप मशीन का पूरा वीडियो आपको समझ आ गया हो। मशीन खरीदने के लिए आप हमें सामने दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट AKSAutomation.com पे भी मशीन उपलब्ध है। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी ऑर्डर कर बुक कर सकते हैं हमारे नंबरों पे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। मैं AKS Automation से अविनाश सिंह, जय हिंद।